डेढ़ साल के लगभग हो गया और मणिपुर आज भी हिंसा में ग्रस्त है हिंसा से जल रहा है मणिपुर इस देश का एक राज्य है और हिंसा का आलम ऐसा है कि करोड़ों की संपत्ति स्वाहा हो चुकी है कितने ही औरतें और बच्चे साठ पैंसठ हजार औरतें और बच्चे आज भी रिलीफ कैंप पर रहने को मजबूर हैं कितने ही लोगों की जान जा चुकी है हिंसा एक बार फिर से भड़क उठी है ग्यारह दिन में नौ लोगों की मौत हुई है मणिपुर में और यही नहीं अब उन इलाकों में हिंसा भड़क रही है जहां पर पहले हिंसा नहीं हुई थी उन गांवों में हिंसा भड़क रही है जहां पर अब ड्रोन से हमला किया जा रहा है एक पूर्व मुख्यमंत्री के घर पर रॉकेट से हमला किया जा रहा है असम राइफल्स का शस्त्र छीनने की कोशिश करी गई उन पर हमला हो रहा है आज तो राज्यपाल के घर पर भी पथराव हो रहा है यह लॉ एंड ऑर्डर की यह कानून व्यवस्था की सिचुएशन है लेकिन मणिपुर की टोह लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास एक भी मिनट नहीं है प्रधानमंत्री पूरी दुनिया का सैर सपाटा करने में मशगूल है वो व्यस्त हैं कभी अमेरिका कभी ब्रिटेन कभी फ्रांस कभी ग्रीस कभी रशिया कभी यूक्रेन हर जगह जाते हैं वो सिवाय मणिपुर के डेढ़ साल हो गया और पूर्व राज्यपाल अनुसुया जी कह रही हैं मणिपुर इंतजार कर रहा है कि कब वहां अप देश का प्रधानमंत्री आए और वहां के लोगों के आंसू पोछे लेकिन उनके पास इसका वक्त बिल्कुल नहीं है क्या मोदी जी को कोई अंदाजा है कि हालात कितने खराब हैं वो आखिर क्यों नहीं जा रहे हैं वहां क्या वो मणिपुर को इस देश का एक राज्य नहीं समझते हैं चुनाव प्रचार के दौरान जाते हैं और टोह लेने जाते नहीं है मुझे फक्र है इस बात पर कि कांग्रेस पार्टी और मेरे नेता राहुल गांधी मणिपुर के साथ मजबूती से खड़े हैं उन्होंने बार बार जाकर वहां पर लोगों के आंसू पोछे हैं उनको ढांडस बधाया है एक शांति की अपील नहीं कर पा रहे हैं प्रधानमंत्री और इसीलिए मणिपुर लगातार हिंसा से जल रहा है क्योंकि वहां पर जो सरकार लोगों का विश्वास खो चुकी है वो आज भी बरकरार है आज भी वीरेंद्र सिंह जो है वो वहां के मुख्यमंत्री बने हुए हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह का अहंकार शायद मणिपुर के लोगों से उनकी जिंदगी से उनके हालातों से उनके भविष्य से ज्यादा बड़ा है द इंडियन खबर सच आपके सामने